श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भाइयों, बहनों, स्वजनों, सबको तृप्ति जोशी शाता जय श्री कृष्ण। गीता ज्ञान मंजरी नाम के चैनल में आप सबका स्वागत है। आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ गीता के अध्याय में जुड़े रह सकते हो। आज का हमारा अध्याय है 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म किसको कहते हैं, अध्यात्म किसको कहते हैं, अधियज्ञ किसको कहते हैं, अधिभूत किसको कहते हैं, आप मुझे समझाइए। और जो शरीरधारी मनुष्य है वो अंत के समय आप ही का नाम ले रहे हैं, आपके शरण आया हुआ है, तो आप उसको कैसे पहचानते हो, कृपा करके आप मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, नाश रहित श्रेष्ठ तत्व है वो ब्रह्म है। उसके स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणी मात्र के सात्विक भाव की उत्पत्ति है, उस क्रिया को हम कर्म कहते हैं। जो नाशवत पदार्थ है वो अधिभूत है, पुरुष अधिदेव है, और उस देह में वासुदेव है वो अधियज्ञ है। जो मनुष्य मरण के समय पे मेरा नाम लेता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा आश्रय लेता है, वो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। जन्म मरण के बंधनों से, पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य की मरण स्थिति हो आती है और उस समय देह छोड़ते समय भी मेरा नाम लेता है, उसको भी मैं ये पाप बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर देते हैं। आगे अध्याय में मैंने जैसे बोला था कि नारायण नाम था अठारी के लड़का का, और वो सिर्फ नारायण बोल के मृत्यु को प्राप्त हुआ, बहु से पार हो गया। बहुत सारे मनुष्य, भक्ति करने वाले मनुष्य अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम से जोड़ देते हैं, जिस भगवान पे उसको श्रद्धा होती है उस भगवान का नाम पूरे दिन बोला जाता है, ताकि जाने अनजाने भी हम भगवान के साथ जुड़े रहे। हे अर्जुन, जो मनुष्य भक्ति करता है, श्रद्धा रखता है भगवान में, देवी देवताओं में, वो कोई भी देवी देवताओं का मनन करता है, स्मरण करता है, और मृत्यु नजदीक आए तब कोई भी देवी देवताओं का नाम लेता है, तो भी वो भाव के बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो सारे देवी देवताओं मेरे ही स्वरूप है। तो हे अर्जुन, तू मुझे याद कर, मेरा भजन कर, पूरी श्रद्धा से तू मेरे मय हो जा। जो मनुष्य मुझ में मन और बुद्धि लगाकर पूरे दिन मेरा स्मरण करता है वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय भक्त है। तू भी ऐसा कर तो तू मुझे प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य योग अभ्यास करके, विषयों का चिंतन न करके सदा परमात्मा में लीन रहता है वो परम पद को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इंद्र रूपी नौ दरवाजे बंद करके सिर्फ मेरा नाम लेता है, मेरा स्मरण करता है, प्राण को मस्तक में एक चित्त बनाकर, ब्रह्म रंध्र में लगाकर, ओमकार उच्चार करके मृत्यु को प्राप्त करता है, वो मनुष्य भी परम गति को प्राप्त करता है। मन को स्थिर रखना, बुद्धि को विचलित नहीं करना है, इंद्रियों पर अंकुश कर देना है, नौ दरवाजे को बंद कर देना है, किसी को अंदर नहीं आने देना है, सिर्फ स्मरण ही करना है। हे अर्जुन, जो मनुष्य सदा
मेरे में रहता है, मेरा स्मरण करता है। ये क्षण भंगुर जन्म उसको फिर से मिलते नहीं है। ये मोहरूपी दलदल जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। मनुष्य अव्यक्त से, ब्रह्मा का जो दिन आता है तब अव्यक्त से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, मनुष्य का जन्म होता है। और दूसरा ही अव्यक्त सनातन भाव है। इस तरह से मनुष्य का नाश होता है, पर उसका नाश नहीं होता, उस सनातन भाव का नाश नहीं होता। अव्यक्त को अक्षर कहा जाता है और श्रुतियों परम गति। जो ज्ञानी मनुष्य होता है वो संसार में वापस नहीं आता। और अक्षर अगर परम गति है तो परम धाम मेरा है, विष्णु लोक है, वो मुझे प्राप्त कर देता है। हे अर्जुन, सर्वभूतों जिसके अंदर है वो परम पुरुष अनन्य भक्ति से मुझे प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, जिस काल में मनुष्य की मृत्यु होती है और वो वापस नहीं आते, और जिस काल में मृत्यु होती है वो वापस संसार में आते हैं, उस काल का संबंध मैं तुम्हें कहता हूं। अग्नि, ज्योति, दिवस, शुक्ल पक्ष, ये 6 महीने, उत्तरायण, उसमें मृत्यु होने से ब्रह्मवेता मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है, वो फिर से जन्म नहीं लेता। धुआं, रात, कृष्ण पक्ष, उसको दक्षिणायन कहा जाता है, उस 6 महीने को। और उस समय पे मृत्यु जिसकी होती है, जिस मनुष्य की, वो इस संसार में वापस आते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन, इस संसार के बंधनों में जो भी पाप कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, उसको भुगतना पड़ता है। हर महीने का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी होता है। पूनम तक हम शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूनम से 14 तक कृष्ण पक्ष कहते हैं, जिनको भी रात और दिन ही कहा जाता है, 15 दिन की रात और 15 दिन की दिन। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो सकामी और कर्मयोगी मनुष्य है वह स्वर्ग लोक में वास करते हैं, स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। इसी तरह से हिंदू धार्मिक ग्रंथों में, ज्योतिष शास्त्र में, पंचांग में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष माना जाता है। एक में मनुष्य वापस नहीं आता, विष्णु लोक में या कैलाश में रहता है, स्वर्ग लोक में रहता है, और एक में मनुष्य वापस आता है, पाताल लोक में रहता है, धरती लोक में रहता है। एक मूवी मैंने देखी थी, यूं तो ब्रह्मांड में स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक कहा गया है, उसी तरह से एक मूवी में भी मनुष्य के जीवन के आधारित, किस तरह से वो रहते हैं उसके आधारित मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक का वर्णन किया है उस मूवी में। स्वर्ग लोक मतलब बहुत अमीर लोग, पृथ्वी लोक मतलब मध्यम कक्षा के मनुष्य, और पाताल लोक मतलब एकदम स्लम मनुष्य। दिल को छू जाए वैसी कटाक्ष की है उसमें, व्यंग किया है उस मूवी में, कि सच्चे में हमने पार्ट कर दिया है। एक ऐसा देश होना चाहिए, ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, सब एक समान, राग द्वेष सबसे परे, सिद्धि असिद्धि, बड़ा छोटा सबसे ऊपर, अमन और शांति वाला देश। ये सब हम ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं तो हिंदू धार्मिक ग्रंथ ही है, तो क्या हम एक ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते?
जहां पे सबको एक भाव से देखा जा सके। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते कि जो वेदों को जानता है, यज्ञ को जानता है और दान पुण्य करता है, वो मनुष्य भी जन्म मरण के फेरों से मुक्त हो जाता है। चाहे वो कृष्ण पक्ष में मृत्यु हुई हो या शुक्ल पक्ष में मृत्यु हुई हो, चाहे वो उत्तरायण में मृत्यु हुई हो या दक्षिणायन में मृत्यु हुई हो, लेकिन जो वेदों को जानता है, जो ब्रह्म तत्व को जानता है, जो दान पुण्य करता है, वो भी चाहे तो जन्म मृत्यु के फेरों से, बंधनों से मुक्त हो जाता है और फिर से जन्म नहीं लेता। इति श्री देवाखंडे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म नाम का 8वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण। Thank you.